हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अनीता वर्मा और आज हम बनाएंगे राजस्थान की सबसे फेमस मिठाई घेवर। और एक खास सीजन में ही बनाई जाती है, स्पेशल सावन से बनना शुरू होती है ये, और 2 से 3 महीने तक ही मिलती है, पूरे साल भर अवेलेबल नहीं होती है। और इसे बहुत ही तरीके से बनाया जाता है, पनीर के घेवर, मावा के घेवर, मलाई के घेवर, दूध के घेवर और रबड़ी वाले घेवर, बहुत तरीके के घेवर आपको दुकानों पर मिल जाएंगे। तो आज हम रबड़ी वाला घेवर बनाएंगे और इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। और रबड़ी की जो रेसिपी है मैं पहले से अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप जब घेवर बनाएं उससे पहले आप रबड़ी बनाकर तैयार कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको चाहिए एक जार और 250 ग्राम मैदा। अगर कप से नापे तो ये मैंने 2 कप मैदा लिया है, जो बेकरी वाले जो कप होते हैं, और एक नींबू का रस लिया है और ये 10 चम्मच पिघला हुआ घी है, नॉर्मल जो छोटा चम्मच होता है उससे मैंने इसको नापा है। अगर आप जमा हुआ घी लेते हैं तो आप इसे 4 चम्मच ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसे थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिए तो ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसमें हमें चाहिए होगा चिल्ड पानी। आप चाहें तो इस टाइम इसमें दूध भी यूज़ कर सकते हैं, 1 कप के बराबर। बिल्कुल ठंडा दूध होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें आप, बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए। आप चाहे उसे फ्रीज़र में रख दें थोड़ी देर के लिए। तो अब इसमें हम डालेंगे उतना ही पानी जितना घी था, एकदम ठंडा पानी है। अब इसको हम चला लेंगे और एक क्रीम जैसा पेस्ट तैयार कर लेंगे हम। तो ये देखिए, इस तरह का पेस्ट आपको बनाना है। इसको हम हाथ से भी बना सकते हैं लेकिन मिक्सी में बनाना थोड़ा सा आसान होता है। तो मैं हाथ वाली रेसिपी भी कुछ दिनों बाद अपलोड कर दूँगी। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा मैदा डालना है, थोड़ा पानी डालकर एक गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे ताकि इसमें लम्स ना आए। तो ये एक और कप लिया है मैंने, यानी टोटल मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है और उसमें 1 लीटर पानी यूज़ किया है, एकदम चिल्ड, इसका ध्यान आप ज़रूर रखें। तो अब ये हमारा जो पेस्ट है एकदम पोरिंग कंसिस्टेंसी बनी है, एकदम पतला घोल बना है, बिल्कुल पतला। यानी कि आप 250 ग्राम मैदा ले रहे हैं तो आप उसमें 1 लीटर पानी आँख बंद करके डाल दीजिए। और इसमें मैंने डाल दिया नींबू का रस, 1-2 मिनट और चलाइए और इस तरह का आपको एक बैटर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, अब इसको बनाने के लिए आप सॉस वाली जो बोतल होती है ये भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके घर में कोई भी सोडा या फिर कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चम्मच से यूज़ कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है चम्मच का, एक एक चम्मच आपको डालना है, सबसे अच्छा तरीका है। इस एक एक चम्मच से ज़्यादा हम इसे बैटर को डालना नहीं है बनाते वक्त। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर मैंने तेल लिया है, 1/2 भगोनी तेल लिया है। आप इसकी जगह घी भी ले सकते हैं, वनस्पति घी भी ले सकते हैं। तो और इसे बना भी किसी भी बर्तन में सकते हैं, नॉन स्टिक हो, कोई भी बर्तन हो, बस उसमें जो घी की जो क्वांटिटी है वो आपको आधी लेनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। वैसे तो हलवाई लोग तो एक मोल्ड होता है और जलेबी जैसी कढ़ाई होती है उसमें वो बहुत सारे मोल्ड रखते हैं और उनमें बनाते हैं, लेकिन घर पर भी हम इसे भगोनी में या कढ़ाई में किसी में भी बना सकते हैं। देखिए, इस तरह से एक एक चम्मच आपको बैटर डालना है, 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं डालना है, इस चीज़ का ध्यान रखें आप। और तेल है जो गर्म होना चाहिए, अच्छा गर्म, धुआं नहीं आना चाहिए तेल से। तो इस तरीके से आप डालते जाएं, देखिए वो अपने आप से एक साइड होते जा रहा है और बीच में एक होल रह रहा है। तो अभी हमें इसको कुछ नहीं करेंगे, वो अपने आप ही साइड में होता जाएगा, फुल गैस को फुल रखना है आपको। और एक घेवर को बनने में करीब 5 मिनट का टाइम लगता है, और जितना मोटा घेवर मैं बना रही हूँ उसमें कम से कम मैंने 20 बार इसको डाला है, एक एक चम्मच करके। और इस तरह से आप चाकू से या फिर किसी चम्मच से आप इस तरह से बीच में होल करते जाएं और सेंटर में धार बनाकर डालें, धार ऊँचा बनाकर, थोड़ा सा ऊँचा करके फिर डालें। अगर आप बिगनर्स हैं तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो ये देखिए, गैस को फुल ही रखना है, आप ये ना सोचिए कि वो नीचे से जल जाएगा, बिल्कुल नहीं जलेगा। और आप बीच बीच में साइडों में भी डाल सकते हैं किनारों की तरफ से, ताकि जो है चारों तरफ से एक ही मोटाई हो उसमें। और जैसे ही हमारा जो तेल है नीचे, बुलबुले नीचे बैठ जाए, फिर आपको दोबारा बैटर डालना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो देखिए, हमारा जो घेवर है सिकने के लिए आ गया है, पूरा हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो
तो घेवरों को भी कई तरीके से सेका जाता है। जैसे दूध वाले घेवर होते हैं तो उन्हें व्हाइट कलर का घेवर होता है वो पूरा, उसे गोल्डन ब्राउन नहीं किया जाता है। तो ये विदाउट मिल्क वाला है, तो आप मैंने इसको गोल्डन ब्राउन किया है या करूँगी मैं, अभी आपको दिखाऊँगी। और इसको बीच बीच में आप घुमाते जाएँ चाकू से, जैसे ये सिकेगा तो अपनी साइड छोड़ देगा। ये देखिए इस तरीके से आप इसको घुमाकर, और जहाँ से आपको कच्चा लगे वहाँ से थोड़ा सा तेल में नीचे डुबो के हल्का सा प्रेशर डालिए, ज़्यादा नहीं, नहीं तो घेवर टूट जाएगा। और इसको अच्छा कलर आने तक आप इसे सेक लीजिए। बस इसी तरीके से हमें अपने सारे घेवर तैयार करने हैं। और इसको निकालने के लिए या तो आप कोई नैपकिन पेपर ले लीजिए ताकि जो थोड़ा बहुत इसमें से ऑयल निकलता है वो सोख ले, या फिर आप कोई भी एक स्टैंड ले लीजिए, इस तरह का कोई भी स्टैंड ले लीजिए, इसके ऊपर रख लीजिए। घेवर टूटेगा नहीं, बहुत कड़क रहता है। ये देखिए कितना प्यारा घेवर बना है और कितना कलर प्यारा आया है इसका, आप देख सकते हैं, और कितनी अच्छी जाली आई है इसमें। बस इस तरीके से हमें सारा घेवर बनाना है। अब मैं आपको ज़्यादा बैटर डाल के बताऊँगी कि क्या होता है उससे। देखिए फ्रेंड्स, ये होता है घी है, तेल है, वो आपका बाहर आ सकता है, आपको लग सकती है, तो इसलिए आप ज़्यादा बैटर ना डालें, सिर्फ एक चम्मच ही बैटर डालें और थोड़ा सा पेशेंस से बनाएं इसको। बहुत ही अच्छा घेवर बन के तैयार होगा आपका। तो ये हमारा दूसरा घेवर है, वो भी रेडी हो गया है। और मैंने 250 ग्राम मैदा में 4 घेवर बनाए हैं, इतने मोटे और इसी साइज के। अगर आप छोटे बनाएंगे तो ये ज़्यादा बन जाएंगे। अगर आप इसे बड़ी कढ़ाई में बनाते हैं, जैसे मैं कभी कभी कढ़ाई में भी बनाती हूँ या फ्राइंग पैन में भी बनाती हूँ, तो कम बनते हैं क्योंकि वो साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसीलिए आप इसे किसी भी बर्तन में बना सकते हैं, बस इसकी टेंशन ना लें आप। तो इस तरीके से हमें सारे घेवर, देखिए 2 घेवर बन गए हैं और कितना अच्छा कलर आया। अब आप ये देखिए मैं चम्मच से डाल रही हूँ यहाँ पर। सबसे बेस्ट तरीका है आप एक एक चम्मच लेते जाएं और ऊंचाई से डालते जाएं। तो अब हम बनाएंगे चाशनी। तो यहाँ पर मैंने 2 कप, जितनी मैंने मैदा ली थी उतनी ही मैंने चीनी ली है, और इसमें 1/2 कप पानी डाल के एक तार की चाशनी बनानी है हमें। एक तार से गाढ़ी नहीं करनी, एक तार से पतली नहीं करनी है। पतली रहेगी तो घेवर नरम हो जाएगा, और ज़्यादा गाढ़ी होगी तो हमारी चाशनी है। देखिए एक तार बन गया है, करीब 3-4 मिनट लगते हैं उसको बनाने में। अब इसमें इस तरीके से चारों घेवरों को एक साथ रख लें और उसके ऊपर आप गरम गरम में डालना है, ये ध्यान रखना है आपको। घेवर ठंडे होने चाहिए और चाशनी गरम होनी चाहिए, ये इसका मेथड है। गरम घेवर के ऊपर गरम चाशनी ना चढ़ाएं, ठंडे घेवर और रूम टेम्परेचर पर ठंडे घेवर होने चाहिए, और इसके ऊपर गरम गरम चाशनी तुरंत से चढ़ा दें। देखिए आप इस तरह से भी चढ़ा सकते हैं जैसे मैंने अभी चढ़ाया था, नहीं तो आप ऐसे एक एक करके भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि कुछ चाशनी जो होती है वो थोड़ा नीचे निकलती है, इसलिए सब लोग हलवाई लोग इस तरह से चढ़ाते हैं एक के ऊपर सारे रख कर, ताकि जो नीचे जो चाशनी निकले वो दूसरे घेवर में चली जाए। तो मैं आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे रबड़ी। इसकी रेसिपी मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है और बहुत ही टेस्टी लगती है इसे लगाने से। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, या फिर रबड़ी से इसका टेस्ट बहुत दुगना हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो इस तरीके से आप सब पे स्प्रेड कर लें और अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स डालकर इसे सर्व कीजिए। हमारे यहाँ पर इसे राखी पे, तीज पे बनाया जाता है स्पेशल राजस्थान में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी अच्छी रेसिपियाँ लाती रहूँगी, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। बाय बाय, टेक केयर।